शुक्ला जिंदाबाद, 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 मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद। इंतजार करिए, हम आएंगे लौट के। लालगंज के पूर्व बाहुबली विधायक और आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुन्ना शुक्ला को पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुन्ना शुक्ला को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना था। अपने समर्थकों से मिलने के बाद मुन्ना शुक्ला को जेल भेज दिया गया, लेकिन समर्थकों ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। समर्थकों ने मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद के नारे लगाए और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, 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 मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या मामले में पूर्व विधायक और राजद नेता मुन्ना शुक्ला ने आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट से समय भी मांगा था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्हें पटना जेल लाया गया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा, इंतजार करिए, हम जल्द लौट कर आएंगे। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे अपने लोगों को, क्या मैसेज रहेगा आपका जाते आते? इंतजार करिए, हम आएंगे लौट के। मुन्ना शुक्ला फिर लौटेगा। ठीक हो गया। क्या कहेंगे आपको लगता है? इंतजार करिए, लौटेंगे अब जल्दी। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और 2014 में सबूतों के अभाव में सभी 8 आरोपियों को बरी किया था। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को इस मामले में दोषी माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आपको आरजेडी के साथ आने की सजा मिली है। इसका जवाब मुन्ना शुक्ला ने ना में दिया। बातें सामने आ रही है कि आपको लगता है कि आरजेडी में आने की सजा मिली है, क्योंकि कई बातें जो निकल के आ रही है। ऐसा हमको नहीं लग रहा है। नीचे करें माइक। अब आपको ये भी बता दें कि मुन्ना शुक्ला है कौन। आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का इतिहास आपराधिक रहा है। उनके भाई छोटन शुक्ला का इतिहास भी बाहुबल से जुड़ा हुआ था। गैंगवार में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा से विधायक रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।